तो जो फ्रीलांसिंग होता है ना, सिर्फ दिखने में आसान लगता है बट ऐसा होता नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी। हेलो नमस्ते, मेरा नाम आकाश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKV व्लॉग्स। आई नो यार कि मैंने ये बात आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं की है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, बट आज कर रहा हूँ। तो हमारा एक बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, सो बेसिकली आई एम ए फ्रीलांस एडिटर एंड समटाइम्स आई इवन गो फॉर शूट्स। तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ द 5 टिप्स अबाउट दैट यू नीड टू नो एज ए फ्रीलांसर। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या फिर हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पॉइंट नंबर 1, हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस। अब इसका मतलब ये है कि आपको अपना पेशेंस लेवल इस तरह से रखना है कि चाहे कितने भी दिन निकल जाए, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द सेम क्लाइंट ऑन द सेम प्रोजेक्ट। और ये मेरे साथ भी हुआ है, कभी कभी एक छोटे से वीडियो के लिए मुझे 4-5 दिन तक काम करना पड़ता है और भाई इट इज़ नॉट ईजी। तो आपको धीरे धीरे पेशेंस आएगा। स्टार्टिंग में भी मुझे प्रॉब्लम होता था, मैं सोचता था कि यार एक दिन में ही सारा काम खत्म कर दूँ, बट यार ऐसा होता नहीं था। यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस टू कम्प्लीट वन प्रोजेक्ट। पॉइंट नंबर 2, एडिटिंग स्किल्स। अब इसका मतलब ये है कि आपको एडिटिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए एंड आपका जो क्लाइंट है उसके काम को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ही टेक दैट जॉब। इफ़ यू नॉट एबल टू डू, नॉट टेक इट। बिकॉज कभी कभी होता क्या है ना, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जिसको एडिटिंग नहीं आती है, वो भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं एंड सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब से देख के कर लूँगा और वैसे करके मैं अपना क्लाइंट का काम कंप्लीट कर दूँगा। बस यार ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपरली पता नहीं होगा ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, सरप्राइज और क्लाइंट। तो यार क्लाइंट भी हमारे जैसा एक नॉर्मल इंसान है एंड उसे भी सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो एक डेट डिसाइड होता है कि हम इतने डेट को आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर कर देंगे। तो देखो आपको करना ये है कि प्रोजेक्ट को डेट से पहले डिलीवर कर दो एंड कोशिश करो कि कुछ उसमें न्यू ऐड कर सके, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कि आपको न्यू क्लाइंट मिल सकते हैं आपके पुराने क्लाइंट्स के थ्रू एंड आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो सकता है। तो यार कोशिश करना कि हमेशा ओवर डिलीवर करने का। तो पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हर एक फील्ड में काम आता है बट एडिटिंग में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एट अ टाइम्स क्या होता है ना, आपको एक वीडियो पे घंटों काम करना पड़ता है। तो कभी कभी आपको एक वीडियो पे फ्रेम बाय फ्रेम काम करना पड़ता है। तो सपोज एक सेकंड में 60 फ्रेम्स है तो यार हर एक फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एंड अगर आप सोचो कि यार एक दो घंटों में मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा तो यार नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 5, डोंट गिव अप। और भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये मेरे साथ पर्सनल लेवल पे हुआ है एंड जो ये वीडियो फ्रीलांसर या फिर एडिटर देख रहा होगा ना वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा होगा। तो बेसिकली होता ये है कि मुझे ये जॉब मिला है एंड आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट इट, आई एम प्लानिंग टू गिव अप फ्रीलांसिंग। तो भाई यही है फ्रीलांसिंग, यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होता है, आपके स्किल्स टेस्ट होते हैं एंड आप कितना चैलेंज ले सकते हो वो टेस्ट होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप वेरी इजिली, बिकॉज वो चीज़ आज आपसे नहीं हो रहा बट बाद में जरूर होगा। तो जस्ट मेक श्योर अबाउट दैट, अगर गिव अप कर लोगे तो भाई फ्रीलांसिंग में आने का कोई मतलब ही नहीं है। सो आफ्टर दिस वीडियो आई नो काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई तुझे क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, ऐसी कोई वेबसाइट है तो मुझे भी बता। तो देखो यार मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिया में तो ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है, मोस्टली जो वेबसाइट है वो भाई सारे US के वेबसाइट है, फॉरेन के हैं मतलब। तो अगर आपको कोई वेबसाइट पता है जो कि इंडिया का है तो भाई मुझे भी बताना, ठीक है। एंड जो मैंने ये 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तभी मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए। ओके सो ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो यहाँ पे इंस्टा आईडी आ रही होगी, जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। आई नो कि ये कोई व्लॉग नहीं था बट हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में ही मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। सो पॉइंट नंबर 1, हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस। अब इसका मतलब ये है कि आपको अपना पेशेंस लेवल इस तरह से रखना होगा कि चाहे कितने भी दिन निकल जाए, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द सेम क्लाइंट ऑन द सेम प्रोजेक्ट।